मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर के अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह और जिला अवर निबंधक देवघर राहुल चौबे को निलंबित कर दिया है। दोनों के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए यह कार्रवाई की गई है। देवघर के देवीपुर में 31 एकड़ से अधिक जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री करने और राजस्व कार्यों में अनियमितता बरतने का इन पर गंभीर आरोप है। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी और अवर निबंधक के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार गठन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात कही थी। इस परिप्रेक्ष्य में विगत एक वर्ष में ठोस निर्णय लिए गए। जिला अवर निबंधक देवघर राहुल चौबे के निलंबन प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उन पर देवीपुर अंचल में 31 एकड़ जमीन के निबंधन में नियमों की अवहेलना करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे। शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवाना।